ये लाइव तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से, यहाँ पर रक्षंदा और विशाल खजूरिया का जोरदार स्वागत किया गया है, उसके बाद जब वो ट्रैवल करके आगे आ रहे हैं तो वहाँ से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें, रक्षंदा और विशाल खजूरिया का जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें देखें आप, जोश देखें। फ्रांस में एक चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूडो की, टेप को लेकर, उसमें उसमें रक्षंदा और विशाल खजूरिया को नॉमिनेट किया था और वहां पर ब्रॉन्ज मेडल लेकर जो है वो रक्षंदा आई है। यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया इनके सभी साथी, देखें आप खुशियाँ, देखें तिरंगे लेकर जो है वो यहाँ पर निकले हैं। और ये तस्वीरें देखें, फ्रांस में जाकर विश्व में अपना भारत का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और ये तस्वीरें देखें, गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से हारों से लोगों ने स्वागत किया और खुशी देखें सभी लोग, गाड़ियों में भी देखें ये कितने प्रसन्न हैं, विक्ट्री का साइन जो है ये लोग दिखा रहे हैं। रक्षंदा, महक और विशाल खजूरिया ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। रक्षंदा महक गुजरनगर की रहने वाली हैं, कश्मीर से हैं, गुजरनगर में इनका निवास है। और ज़रूर आप भी कंग्रेचुलेट इन्हें ज़रूर करें, क्योंकि विश्व में जाकर और एक ऐसी चैंपियनशिप, जूडो चैंपियनशिप, जहां पर भारत माता की जय जो है, ये तस्वीरें देखें आप, विश्व में जाकर मेडल लेकर आना, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आना, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है।
इसमें कोचिस को भी श्रेय जाता है। और ये देखें हारों से लदे हुए हैं कोच भी जो है वो भी साथ में। उदय वानुचिप जी हैं वो भी साथ में हैं, कांग्रेस के युवा प्रधान वो भी साथ में हैं। और एक जोश देखने को मिल रहा है। उन लोगों को ज़रूर जवाब है जो लोग कश्मीर के अंदर प्रोपोगंडा करते हैं, कश्मीर के अंदर इस तरह के भावना इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकें और युवाओं को गलत मार्ग पर चला सकें। उन लोगों के लिए ज़रूर जवाब है। और यहां पर तिरंगे झंडे जो हैं वो इस बात का सबूत है कि उन लोगों को जवाब भी है कि आप देखें इस तरह का प्रोपोगंडा ना करें जिससे देश का माहौल ख़राब हो, एक पूरी कम्युनिटी को गलत डायरेक्शन में वो जाएं और आने वाले समय में वो ऐसा कुछ करें जो देश के लिए अपमानजनक हो और फिर उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगाए जाएं और फिर वो सलाखों के पीछे डाल दिए जाएं और तब उन्हें बहुत गुस्सा आए, चिढ़ हो कि ये हिंदुस्तान में हम कैसे रह रहे हैं। तो इस तरह से बरगलाना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए तिरंगा लेकर जो बच्चे हैं वो किस तरह से यहाँ पर तिरंगे को लहरा रहे हैं, बाइक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, स्कूटी के ऊपर बैठे हुए हैं। और जोश, एक जोश दिखता है, जज्बा दिखता है। भारत माता की जय के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं और ज़ोरदार स्वागत, हम ये कह सकते हैं कि ज़ोरदार स्वागत जो है वो रक्षंदा महक और विशाल खजूरिया का हुआ है। खुश हैं, चेहरे पे खुशी भी दिखती है, भाव में खुशी दिखती है। जय जय कारे ये लोग लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा साइड पर लाओ तो खत्म करो। जरूर आप सभी लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और जोश जज्बा जो है वो दिखता है और जोरदार स्वागत जो है रक्षंदा महक और विशाल खजूरिया का यहाँ पर किया गया है। रक्षंदा ने ब्रॉन्ज मेडल लाया है फ्रांस में जाकर जूडो चैंपियनशिप में, डेफ जूडो चैंपियनशिप का, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया है और आज उनका यहाँ पर ज़ोरदार स्वागत किया गया है और प्रसन्नता ज़रूर होगी। और उन गद्दारों को भी जवाब होगा जो गद्दार यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, एक कम्युनिटी को परगलाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के उनको अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग अपने राजनीति की रोटियाँ सेक सकें।